बना रखा आज? खीर। खीर? अरे यार रोज रोज खीर खा खा के पक गया। माथा फोड़े अपना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का समय है और टाइम हो चुका है लगभग 8 बज चुके हैं और आज सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिश होने से मौसम बड़ा सुहावना हो गया है और बादलों के बीच से सूरज देवता भी ताका झांकी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा लग रहा थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मौसम बढ़िया हो गया है बारिश होने से। और लक्ष्मी ने भी आज सुबह सुबह नहा लिया है। मजा आ गया है? मजा ही नहीं आया? कुट्टी खाते हैं, सर में डालते हैं, हैं? पूरे सर में कुट्टी डाल रखी है। तूने नहीं नहाया? तू तो आलसी हुआ एक नंबर का है। तुझे तो पानी से डर लगता है, गल जाएगा तू पानी से है? गल जाएगा? नहीं गलेगा, नहीं गलेगा, आलसी कहीं का। इधर आओ, इधर दोनों इधर आओ। तो ये प्रियांशु के दोस्त आए हैं। कहाँ है? आवाज मार। कहाँ जा रहे हो? तो ये है जय विष्ट। ये प्रियांशु को बुलाने आया है और एक और आया था, वो भाग गया है, वो उधर दिख रहा हो। पीछे तेरे दोस्त आए तुझे बुलाने। तो आज इसकी छुट्टी है, पढ़ाई भी कर लेना, खेलने में ही मन लगे रहना। खेलने का अपना समय है, पढ़ाई का अपना समय है। अभी पढ़ाई के दिन है, सबसे ज़्यादा समय पढ़ाई को देना है, ठीक है? नहीं, क्योंकि ये समय चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा, समझ रहा है? जोर से बोल। हाँ समझ के उस चीज़ को करना भी है, खाली समझने से नहीं होता है। और खा लो। बाबू कहाँ गए? सटक गए हो? अब आएंगे नहीं, अभी देखना। रोका नहीं तुमने उनको? कहाँ आते हो? आ तो जाते, तो एक दो दिन घर में बैठे फिर चले गए। टाइम से आ जाना घर, ठीक है? तो पिताजी भी सटक चुके हैं और प्रियांशु भी चला गया खेलने। तो आज पिताजी चले ही गए हैं, दो दिन से बड़ी मुश्किल से रोका था उनको घर में, लेकिन आज निकल ही गए वो नज़र बचा के। कहाँ गए कोई पता नहीं। ऊपर से मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है, कीचड़ कुचड़ हो रहा है चारों तरफ। तो पिताजी को घर में रोके रखना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। नाश्ता करके गए बाबू? ऐसे चले गए? पेंडू कहाँ जाना है? बाहर जाना है? हैं? बाहर जाना है? चल आजा, ले। बारिश हो रही बाहर, देख कहाँ जाएगा। तो हो चुकी है मेरी एक्सरसाइज। तो आज बाहर मौसम कुछ गड़बड़ है, बूंदाबांदी हो रही, तो इसलिए मैंने आज अंदर ही एक्सरसाइज करी। ये क्या है, फूल के पेड़? कहाँ लगाओगी, जगह तो बची नहीं कहीं। दो पेड़ यहाँ लगा रखे तुमने, और कहाँ लगाओगी? यहीं लगा दो, बंजर में ही। इसी में लगा दो, और कहाँ लगाओगी? उधर तक लगा दो, जब खिलेंगे अच्छे ही लगेंगे। और थोड़ा चिपका के लगाओ ना इसको इधर को, तो इधर खाली जगह घेरेंगे, इधर को फर्श है, उधर फर्श में आ जाएंगे। तो फिलहाल कहीं जगह तो मिली नहीं, इसी में लगा देते हैं जो क्यारी है। तो इसमें भी काफ़ी घास फूस जम गया है और बारिश हो रही, तो और बढ़ते ही जा रहा है। तो अब कर लेते हैं स्नान, बहुत गर्मी हो गई है। बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन उमस भी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इस तरफ का मौसम। तो दगड़ियो है कि मेरे स्नान और अब कर लूँ पेट पूजा, भूगले लग गया है बहुत तेज। तो देखनु थे आज मेम साबल की बड़ा रखा। की बड़ा रखा आज? खीर। खीर? अरे यार रोज रोज खीर खा खा के पक गया। आए दिन खीर खीर खीर, देखने वाले भी कहते होंगे रोज ही खीर बनाते हैं। कल नहीं बनाई थी, परसों बनाई थी वो खीर। अरे यार क्या
दिन के खाने की तैयारी होने लगी और तुम्हारा नाश्ता नहीं बना। अरे हम ठहरे लेट लतीफ हैं, जब दुनिया सोती है हम जागते हैं, ठीक है, जब दुनिया जागती है हम सोए रहते हैं, है नहीं? ऐसी जिंदगी है अपनी, तो समय से कहाँ खाना होगा कहाँ सोना। तो खा लो जल्दी वरना 12 बज जाएगा। 12 तो बज ही जाना है। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो लेट ही होता है। लेट इसलिए होता है क्योंकि मैं शाम को ड्यूटी से लेट आता हूँ और लेट ही रात का खाना खाता हूँ, और इसी वजह से थोड़ा सा लेट उठता भी हूँ। उठते उठते लगभग 7, 7:30, कभी 8 भी बज जाते हैं। 10 भी बज जाते हैं। हैं? 10 भी बज जाते हैं। 10 भी बज जाते हैं? और? नहीं, 10 तो अब नहीं बजते हैं। ना, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मैं कोशिश करता हूँ कि 6 बजे उठने की, तो 6 बजे ना भी उठा तो 7 बजे तो मैं उठ ही जाता हूँ। तो पहले उठता था मैं, इसीलिए तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होना चाहिए ना जो इंसान को सुबह उठने पे मजबूर कर रहे, कुछ ऐसा लाइफ में जरूर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? हाँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट रहता हूँ। जब लंच की तैयारी होने लगती है तब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, श्रीमती जी वहाँ लंच की तैयारी करने लग गई है। बोलो, इसमें बोलो ना, जो भी बोलो। तो श्रीमती जी कह रही है कि मैं इतना झूठ बोल रहा हूँ, इतना झूठ कि 6-7 बजे उठता हूँ। अरे तो 6-7 बजे तो मैं उठता ही हूँ आजकल। तुम कभी भी दिखा देना कितने बजे उठ रहे हो, मुझे घड़ी से बता देना कि अभी तुम टाइम छोड़ जाते हो। हैं? ना ना, जो पहले बोल ली थी अब बोलो। यही तो बोल रही हूँ, मतलब कैमरा ऑफ होते ही मेरी बुराइयां शुरू। वाह भाई वाह, जो बोलना है सामने बोलो, पीठ पीछे नहीं बोलने का, ठीक है नहीं? तुम्हें भी बराबर मौका दिया जाएगा बोलने का। चलो खा लो। तो ये चावल एकदम रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर रखी है दाल, ये प्याज कट चुके हैं, टमाटर वमाटर अभी कटने बाकी हैं। तो ये फ्रिज खुल चुका है और इसमें से निकलेगा तिलिस्म का खजाना। टमाटर निकलेगा। अरे बस टमाटर ही, मैं सोचा मेरे लिए कुछ निकाल दी हूँ। तो खीर है कहाँ इसमें? अच्छा, तो ये है भाई सिवई की खीर। ओ ये तो मेरी फेवरेट है भाई। तो इसी में खाऊं, कटोरी में खाऊं? इसी में खा लो। हैं? कटोरी में डाल दो। क्या इसमें खाना सही रहेगा? लोग मजाक करेंगे, रोज रोज इसी में खाता है करके, है नहीं? लेकिन मैं खाऊंगा इसी में ही क्योंकि मुझे स्वाद इसी में आता भाई। चेहरे पर मुस्कान, स्माइल प्लीज। तो थंबनेल शूट कर रहे हैं हम, तो बड़ी मुश्किल होती है थंबनेल शूट करने में। ब्लॉग तो आराम से बन जाता है लेकिन थंबनेल नहीं मिलता है, तो इसलिए थंबनेल शूट कर रहे हैं। तो भैया मैडम की तो बड़ी आफत आ जाती है मेरे सामने बैठे रहने में। लेकिन फिलहाल हम थंबनेल शूट करके ही मानूंगा। नहीं 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 क्या कर रही हो? दाल बना दी, जल्दी करो। तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो थंबनेल तो बन गया है। तुम तो ऐसे सोचो जैसे मैं तुम्हें बांध के रखा होगा, तुम्हारे हाथों को बांध रखा होगा। लाओ एक चम्मच तो दे दो फिर। अब ये क्या, ये दारू से ही खाऊं क्या? तो ये दारू में इतना लगाया ये बर्बाद होगा? खा लो ना इसको भी। नहीं नहीं, मैं इसको बर्बाद नहीं होने दे सकता क्योंकि भाई साहब मेरी फेवरेट है खीर, इसीलिए हम रोज रोज ही खीर बनाते हैं और आपको रोज रोज खीर दिखती है ब्लॉग में, ठीक है? तो फिलहाल मैं देखता हूँ टेस्ट लेके। तो अब तो शादी हो गई है, दारू चाटने से कौन सा बारी शादी है। बने तो कहते थे कि भैया जिसकी शादी नहीं हुई रहती है दारू मत चाटो, पनेवल मत चाटो, ब्याह दिन बरतो वही। अब तो उसके भी हो ना ब्याह आएगी। हाँ, तो आपके बरखा अलग नमूनी वाली कैसी हो रही है? लाजवाब लाजवाब, मजा आ जाता भाई, दिन बन जाता है खीर खा के। वाह भाइयों, कोई मजाक मत बनाना कि इतने बड़े बर्तन में खा रहा हूं। तो हम ठहरे ठेठ पहाड़ी, तो हमारा चलता है ऐसी क्या दिखावा करना, क्योंकि स्वाद तो ऐसे ही आता है। तो हो चुकी है मेरी पेट पूजा, मजा आ गया एकदम खीर खा के। तो अब देते हैं कोको को, बेचारा वो भी भूखा ही है आज,
क्योंकि आज रोटियां बनाई नहीं, तो इसलिए उसके लिए कुछ था नहीं देने को। तो अभी भात बन चुका है, हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन गांव के हिसाब से 10 बजे बहुत होते हैं। तो अभी मैंने उसके लिए थोड़ा सा इसमें चावल ले लिया है और थोड़ा खीर मिक्स कर दिया है, तो अभी ये दे देता हूँ उसको, और फिर जब भात खाएंगे उस समय और देंगे उसको। ले आया हूँ बेटा तेरे लिए, ले आया हूँ, है नी, ले इसी में खा ले। कहाँ तेरा बर्तन है पता नहीं, गिराना मत नीचे, ठीक है, नीचे नहीं गिरना चाहिए, आराम से खाओ। लच्छू तो अभी खाएगा बाबू, हैं भात खाएगा तो ठीक है, रोटी है ही नहीं यार आज। क्या कह रही हो, दराथी? ये दराथी राती साहब, आप जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन ले जाऊंगा, आज टाइम है नहीं इतना, मौसम ऐसा हो रहा है, उसी दिन सामान भी लेके आऊंगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी के लिए दाना लेने, उसका दाना ख़त्म हो चुका है, और मेरे आने से पहले तेरे हाथ में किताब होनी चाहिए, समझा? हाँ या ना बोल, जोर से बोल, हाँ यस, बोल बोल जल्दी, हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ, जोर से, हाँ हाँ हाँ, क्या होता है, जल्दी जाओ, जोर से हाँ बोल बोल, हाँ हाँ। प्यार सही नहीं है, उधर हट जा, उधर हट जा, कपड़े गंदे कर रहा है। अरे यार खत्म हो गई, दोनों तरफ से बराबर है, वो बैलेंस बिल्कुल बराबर है उसका, है यार। चलो, अरे चलो, ए हट जा, अरे हटो यार, खाली मजाक हो गया। हेलो भैया, आ चुका है ताने का कट्टा, लाओ पानी तो पिला दो, बारिश तो हो रही है, उमस कम नहीं हो रही, गर्मी कम नहीं हो रही है, आग लगे गर्मी को भाग रही है। तो पता है दाने का कट्टा कितने का हो गया? कितने हो गया? थोड़े दिन पहले लाया था मैं 950 का, आज हो गया 1025 का, पूरा पूरा 75 रुपये बढ़ गया, महंगाई बढ़ते रहे, वही तो कह रहा हूँ, ऐसे में क्या लगाएं, क्या खाएं, क्या बिछाएं, ऊपर से तुम कहने वाली ठेरी कंजूस, इंसान कंजूस ही नहीं करेगा तो क्या होगा, बताओ कब बोला कंजूस? अच्छा कब बोला पिंचो, देख है? करनी चाहिए कंजूसी, अरे बाबा हो, इतनी समझदारी तो आज बरस रही है एकदम। तो 20 दिन पहले मैं दाने का कट्टा लाया था, तो वो था 950 का, और आज 20 दिन बाद लेने गया तो हो गया पूरा 1025 का। तो अब महंगाई तो भैया इतनी स्पीड से बढ़ रही है, पूछिए मत। तो ऐसे में क्या लगाएं, क्या खाएं, क्या बिछाएं, कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से बीवी कहने वाली खड़ी, तुम कंजूस हो, ये हो, वो हो, अरे इंसान करे तो क्या करे, हैं? माथा फोड़े अपना, जब धनिया पुदीना इतना होगा ही नहीं तो कहाँ से करेगा पूरा, इसलिए कंजूस बनना पड़ता है नहीं, जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज के दिन की कहानी और आज का ब्लॉग, तो अब आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो दिल खोल के कह सकते हो कमेंट में, और बाकी ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय।